नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पर इंटरेस्टेड किस में है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब रेडिएशंस को गिरना और इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन थी। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आपको याद होगा। हर्ट्ज ने ईएम वेव की डिस्कवरी की थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हुए, क्योंकि उस बंदे ने यूवी रेज भी निकाली लैब में, इंफ्रारेड भी निकाली, सारी निकाली, और उसने जब रेडिएशंस को मेटल सरफेस पे घेरा तो उसने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे। उसको ये बात सबसे पहले पता लग गई थी जिसे डिस्कवरी की ईएम वेव्स की, रेडिएशंस की, कि मेटल की सरफेस पे, स्पेशली जिंक की सरफेस पे जब अल्ट्रा वायलेट रेज को घेरा जाता है, एमिशंस बहुत होती हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि एमिशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन उसको पता थी। फिर उसके बाद और दो साइंटिस्ट आए, हॉलवॉच और लिनार्ड ऑब्जर्वेशन आई। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, थोड़ा और डिटेल में स्टडी किया और प्रैक्टिकल किया। जिंक प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट को घेरा और फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए और साथ में कौन जुड़ गया इनके साथ, जेजे थॉम्सन। जेजे थॉम्सन ने क्या किया उस टाइम पे, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तब लोगों को पता लगा कि ये, वो पहले तो बोलते थे कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है नेगेटिव, उनको ये नहीं पता था साइंटिस्ट को कि इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसे। जेजे थॉम्सन ने साइड बाय साइड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और तब पता लगा कि जिंक के ऊपर जब यूवी रेज गिरी तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, जेजे थॉम्सन ने बताया कि उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इस प्रोसेस में इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस एक्सपेरिमेंट में ये भी समझ में आया कि अगर आप रेडिएशन जो घेरते हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड से कम है तो एमिशन नहीं होता, और अगर थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा है तो एमिशन होता है। ये सारी बातें इनको पता थी, पता लग गई थी। फिर उसके बाद मिलिकन भी साथ में अटैच हो गया इनके साथ, और मिलिकन ने बैठ के इनके साथ फिर एक्सपेरिमेंट किया। फिर इन्होंने एक जिंक की प्लेट ली या फोटो सेंसिटिव प्लेट ली, रेडिएशंस को घेरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ट्यूब में। इस बार और बेटर एक्सपेरिमेंट था, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव प्लेट रख दी और बैटरी से घुमा के इलेक्ट्रॉन को वापस कर दिया। मतलब रेडिएशंस गिरी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन हवा में आए, पॉजिटिव प्लेट ने कैच कर लिया, पॉजिटिव प्लेट ने बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पे दिया, फिर रेडिएशंस गिरी, फिर वही इलेक्ट्रॉन हवा में आए और सर्किट जो है कंप्लीट हो गया। इससे और ये चीज़ पे विश्वास बैठ गया कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम ये प्रोसेस बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ। इन सभी साइंटिस्ट ने मिलकर जब एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। अब ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। इनकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, इनकी ऑब्जर्वेशंस के अंदर इनको लगता था कि अगर मैं रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँ तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अगर मैं ज़्यादा फोटोन्स घेरूँ तो उनको पता लग गया कि करंट ज़्यादा बढ़ता है। पर जब उनसे ये पूछा गया ऐसा क्यों हुआ तो ये साइंटिस्ट लोग आंसर नहीं दे पाए, पर वो रिजल्ट सही निकाल रहे थे, ऐसा होता है होता है होता है, पर वो ये नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइंस्टाइन ने इन सबका काम पढ़ा, सबका काम स्टडी करके, सबके एक्सपेरिमेंट को पढ़ के उसने एक ऐसी थ्योरी दी जो आज तक फेल नहीं हुई, और इसलिए आइंस्टाइन सबसे एंड में आया। और आप जो केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये उसी की इक्वेशन है। तो अगली बार हम इसके ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या करेंगे, इसका चैप्टर को क्लोज करेंगे, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, बड़ा नहीं है।